तरफ आज होंगे भैया आर्मी केकेआर, तो दूसरी तरफ है भैया एमआई पलटन मेरे यार, और दोनों टीमों के लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। तो वहीं पर केकेआर टीम तो कह रहे हैं कि हमें पूरे तरीके से तैयार, लेकिन एमआई पलटन आपकी ट्रेन क्या पटरी पर है? शायद अब तक नहीं, लेकिन क्या आप पटरी पर चढ़ाना चाहते हैं? नहीं भैया, हम तो फायर करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं हम। और अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आपको आज जीत की बहुत ज्यादा दरकार होगी, क्योंकि भैया ये 10 टीम टूर्नामेंट है। यहां पर अगर आप पीछे रह गए ना तो फिर आप छूट जाएंगे पीछे, बहुत तगड़ी रेस चल रही है। और ऐसे में एमआई टीम इस मुकाबले के महत्व को समझते हैं, लगभग डू और डाई के अंदाज में ही खेलना चाहेंगे। तो ऐसे में बहुत ही तगड़ा कॉन्टेस्ट होगा। और वैसे भी जब आमने सामने आंद्रे द विस्फोटक रसल और कारन पोलार्ड हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कॉन्टेस्ट है ना, ये ग्रैंड कॉन्टेस्ट है, ये ताबड़तोड़ कॉन्टेस्ट है। और ऐसे ही भैया इस मुकाबले की महत्व को तो मैंने समझा दिया, लेकिन अब मुकाबले की भी बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द एमपीएल प्रेजेंट्स। डू यू नो दिस अमेजिंग फैक्ट? क्या आपको ये फैक्ट पता है कि साल 2018 आईपीएल से एमसीए पुणे, जहां पर आज मुकाबला है, देखिए कुल मिलाकर यहां पर 8 मुकाबले खेले गए हैं आईपीएल में, जिसमें से 4 पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता, तो 4 यहां पर चेस करने वाली टीम ने जीता, जो कि दर्शाता है कि भैया यहां पर वो एक्सटर्नल फैक्टर, वो ड्यू और शबनम और ये सारी चीजें ना, वो रोल प्ले नहीं करती, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो ऐसे में मुकाबला तो वैसे भी ब्लॉकबस्टर है, और फिर जब आपको पता चलता है कि एक्सटर्नल यहां पर इंटरफेरेंस नहीं होगी, जो अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेगा और वो मुकाबले में डोमिनेट करेगा, तो भैया यहां पर 4 चांद लग जाते हैं। और ऐसे ही 4 चांद लगाएंगे, बहुत सारे आंकड़े आपके सामने रखेंगे, पूरा प्रीव्यू यहां पर करेंगे। बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, मतलब दबा दो, ठोक दो भैया, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पिच का पार्ट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भैया एमसीए पुणे में आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है कि यहां पर ना वो बराबर का कॉन्टेस्ट होता है। हालांकि फिर भी ये हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि ये पेसर्स फ्रेंडली पिच है, यहां पर शुरुआत में ना तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिलती है, गेंदबाज डोमिनेट करते हैं, स्विंग बहुत अच्छा होता है शुरुआत में, बहुत अच्छा शेप लेती है गेंद। तो ऐसे में शुरुआत में भैया अर्ली विकेट्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड देन बात करें टॉस फैक्टर के बारे में, तो एज आई टोल्ड यू कि यहां पर चेस का और उन सारी चीजों का तो उतना मतलब खास ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी टीम एट द एंड ऑफ द डे चेस करना ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि आपके पास टारगेट होता है और थोड़ा सा तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार थोड़ी बहुत भी शबनम आई तो हमें एडवांटेज ही मिलेगा। एंड देन दोस्तों बातचीत करें हमारी अपनी प्यारी पॉइंट्स टेबल के बारे में, तो पॉइंट्स टेबल ये कहती है कि मुंबई इंडियंस टीम, देखिए आपकी ये टेबल ना देखने में अच्छी नहीं लग रही, आप नंबर 8 स्थान पर हैं, केकेआर है नंबर 2 पर, मतलब एकदम अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, लेकिन एमआई टीम ज्यादा देर नंबर 8 पर रहना नहीं चाहेंगे, और इसीलिए कह रहा हूं भैया मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम बात करें यहां पर न्यूज अपडेट्स के बारे में, खबरें क्या है, देखिए भैया खबरें हैं केकेआर कैंप से, और खबर ये है कि पैट कमिंस आपके लिए अवेलेबल हो गए हैं, 6 अप्रैल आज है, यानी कि सभी ऑस्ट्रेलियन बाउंड प्लेयर्स जो कि कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे, और उन्हीं में से एक पैट कमिंस भी है, क्वारंटीन पूरा हो चुका है, प्रैक्टिस उन्होंने कर रखी है, आज के मुकाबले में वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं पर बात करें एमआई टीम के बारे में, तो देखिए एमआई कैंप से तो यही खबर है कि सूर्य कुमार यादव अवेलेबल तो है, लेकिन ये टीम खिला नहीं रही है, क्योंकि रोहित शर्मा ने हमें जो है पिछले मुकाबले में बताया कि देखिए हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, हम उनको पूरी तरीके से फिट होने देना चाहते हैं, हम रश नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं खिलाया गया, लेकिन क्या आज खिलाएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और इसीलिए चलिए भैया बातचीत करते हैं फिर लगे हाथ प्लेइंग 11 के बारे में, केकेआर टीम किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेंगे। देखिए पैट कमिंस अवेलेबल है, तो एक विदेशी खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाना है, क्या टिम साउदी होंगे या फिर होंगे सैम बिलिंग्स? मुझे लगता है कि टिम साउदी भी हो सकते हैं, बट यू नेवर नो, हो सकता है सैम बिलिंग्स हो। आप शेल्डन जैक्सन को यहां पर एज अ विकेट कीपर टीम में ट्रीट करो, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मूव होगा कि टीम की यहां पर प्रिडिक्टेड या फिर प्रोबेबल 11 या फिर प्लेइंग 11 किस तरीके से होने वाली है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हो सकता है कि शायद सैम बिलिंग्स को बाहर बैठना पड़े, शेल्डन जैक्सन विकेट कीपर के तौर पर आए और टीम यहां पर टिम साउदी और पैट कमिंस दोनों को प्लेइंग 11 में ड्राफ्ट करे। एंड देन दोस्तों हम बात करें यहां पर एमआई पलटन टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, तो भैया इनकी प्लेइंग 11 में जो एकमात्र बदलाव की आप अपेक्षा कर सकते हैं वो डेफिनेटली है कि अगर सूर्य कुमार यादव अवेलेबल रहेंगे तो अनमोल प्रीत सिंह को बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो उसके अलावा अनचेंज्ड प्लेइंग 11 ही शायद आपको देखने को मिले। हालांकि बासिल थम्पी की जगह जरूर ये टीम जयदेव उनादकट को ट्राई कर सकती है, मुझे लगता है खिलाना चाहिए, बाकी देखते हैं कि टीम यहां पर क्या करेगी। एंड देन हम बात करें यहां पर स्मार्ट स्टैट्स ऑफ द गेम के बारे में, तो भैया चलिए कुछ आंकड़ों के साथ यहां पर खेल लेते हैं और लास्ट 5 मुकाबलों की तरफ हम चलते हैं। लास्ट 5 मुकाबले हमसे ये कहते हैं कि ना एमआई टीम ने 4 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला जीता केकेआर ने, तो दबदबा यहां पर एमआई टीम का आंकड़ों के हिसाब से तो बरकरार है। और भैया दूसरा स्टैट तो हमको इसको और भी ज्यादा जस्टिफाई करके बताता है, चीख चीख के ये बोलता है कि एमआई का जो विन परसेंटेज केकेआर के अगेंस्ट है ना वो है 75.8 का, जो कि किसी भी टीम की तुलना में आईपीएल में कोई भी टीम हो उसके जो है कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बेहतरीन है। तो एमआई टीम जितना केकेआर के खिलाफ जीतते हैं उतना किसी टीम ने किसी और के खिलाफ नहीं जीता। तो भैया ये आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं, क्या आज एमआई का पलड़ा भारी रहेगा या फिर केकेआर कहेगी ना भैया कौरबो लौरबो जीतबो हम ही जीतबो। एंड देन बात करें यहां पर तीसरे स्मार्ट स्टैट को लेकर, तो भैया रो सुपर हिट
हिटमैन शर्मा अपना हिटमैन रूप दिखाते हैं, स्पेशली अगेंस्ट केकेआर। एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने 1000 प्लस रन बनाए हैं और वो जो है केकेआर के अगेंस्ट ही आए हैं। 1015 रन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल टीम केकेआर के अगेंस्ट, 46.14 की एवरेज, एक शतक और 6 अर्धशतक ऑलरेडी जड़ चुके हैं। तो क्या भैया फिर से आज हिटमैन का बल्ला हल्ला करेगा? कर भी सकता है, यू नेवर नो। लेकिन भैया केकेआर टीम के पास भी ना बड़े थांसू यहां पर गेंदबाज है और पैट कमिंस का एडिशन भी हो रहा है, तो क्या यहां पर रोहित शर्मा के रनों का सब्ट्रैक्शन होगा? वी शैल फाइंड आउट। खैर दोस्तों, यहां पर बातचीत करें हमारी अपनी ताबड़तोड़ एमपीएल फैंटेसी 11 के बारे में कि भैया आज के मुकाबले में कौन सी प्रिडिक्टेड 11 के साथ मैं मैदान पर उतर रहा हूं, हमारी फैंटेसी टीम के साथ मैदान पर उतर रहा हूं। तो लेट मी जस्ट टेल यू, मैंने यहां पर पिक किया है भैया विकेट कीपर के तौर पर शेल्डन जैक्सन एंड ईशान किशन को, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि क्या शेल्डन जैक्सन खेल रहे हैं या फिर नहीं, मतलब प्लेइंग 11 पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एंड देन बैट्समैन के तौर पर आई हैव गॉन विद श्रेयस अय्यर, हिटमैन शर्मा, सूर्यकुमार यादव, टिम डेविड, ऑलराउंडर आंद्रे रसल, सुनील नारायण। एंड देन गेंदबाज के तौर पर मेरे पास है पैट कमिंस, उमेश यादव एंड टाइमल मिल्स। अब यहां पर जो कप्तान है अभी वो स्काई है एंड जो वाइस कप्तान है वो उमेश यादव है, क्योंकि तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है पिच पर, हमने ये बात जानी है पहचानी है। लेकिन भैया इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो टॉस के बाद बदल सकता है, स्पेशली प्लेइंग 11 में किसको जगह मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, शेल्डन जैक्सन क्या रहेंगे, क्या सूर्यकुमार यादव खेलेंगे भी या फिर नहीं, खेलेंगे तो मेरे कप्तान रहेंगे, नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली हम किसी और की तरफ देखेंगे। तो भैया @DrCrickPoint हमारा टेलीग्राम है, वहां पर हमारे साथ आप जुड़ जाएंगे ना, तो टॉस के बाद अपडेटेड 11 फैंटेसी 11 एमपीएल की मैं वहीं पर आप लोगों से शेयर कर दूंगा। और एमपीएल पर टीम हम लोग इसीलिए बनाते हैं, देखिए भैया मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप कल का मुकाबला उठाकर देख लीजिए, आरसीबी बनाम आरआर मुकाबला था और हम लोगों ने जिस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया वहां पर 300 रुपीज हम लोग जीते, बार बार जीत रहे हैं, लगभग हर दिन जीत रहे हैं। आई मीन इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए यार। एक्सक्लूसिव लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। मैं तो सिर्फ इसीलिए यहीं पर खेलता ही हूं क्योंकि यहां पर जीतने के चांसेस ही सबसे ज्यादा रहते हैं, सबसे ज्यादा जीतने के आसार हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई साइन अप कोड DrCrick50, यू कैन यूज इट। एंड टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, वहां पर अपडेटेड 11 मिल जाएगी। तो भैया ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। एंड देन हम बात करें यहां पर हमारे अपने मैच द मैचअप्स के बारे में, आंकड़ों को लेकर चलेंगे ना तो भैया 11 बनाने में और आसानी आपको होगी। और भैया जो सबसे बड़ा मैचअप है वो है मुंबई इंडियंस टीम के ओपनर्स का अगेंस्ट नारायण एंड पैट कमिंस के। अगर पैट कमिंस खेलते हैं तो भैया आंकड़े ये कहते हैं कि आप अगर रोहित और नारायण को बेसिकली पहले उठाकर देखोगे तो 18 पारियों में रोहित शर्मा की जो एवरेज है वो 19 की रही है अगेंस्ट नारायण, और 7 बार पवेलियन का रास्ता सुनील नारायण ने दिखाया है। तो भैया बहुत डोमिनेटिंग आंकड़े हैं इनके। तो शुरुआत में जब हिटमैन मैदान पर उतरेंगे तो क्या सामने से नारायण की फिरकी आपको पावर प्ले में देखने को मिलेगी, स्ट्रेटजी वाइज तो यहां पर देखने को मिलनी चाहिए। एंड देन भैया ईशान किशन की बातचीत कर लें तो सामने से फिर पैट कमिंस आने चाहिए क्योंकि 3 पारियों में 5 गेंदें फेंकी है और 3 बार यहां पर पवेलियन का रास्ता पैट कमिंस ने दिखाया है ईशान किशन को। तो भैया जो दोनों एमआई के ओपनर्स हैं इनको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, यहां पर अपने आप को संवारना पड़ेगा क्योंकि 2 तो खतरनाक ऐसे गेंदबाज हैं विदेशी जो केकेआर टीम के, जो फटाफट से यहां पर निपटा सकते हैं अगर सब कुछ सही जाता है। तो यहां पर इस मैचअप में बहुत मजा आएगा। एंड देन बात करें यहां पर आंद्रे द विस्फोटक जायंट रसल बनाम बूम बूम बुमराह, देखिए ये राइवलरी तो वैसे भी होनी है। अब आंकड़े ये कहते हैं कि लास्ट 61 गेंदे आप उठाकर देखोगे तो एवरेज जो रसल की रही है वो 20 की रही है अगेंस्ट बुमराह, और 3 बार बुमराह ने आंद्रे रसल का शिकार किया है। तो भैया अगर एमआई टीम को जो है फाइट बैक करना है, मुकाबले में वापसी करनी है, पॉइंट्स यहां पर अर्जित करने हैं तो रसल साहब को तो रोकना बहुत जरूरी है, और कौन रोक सकता है? जसप्रीत बुमराह रोक सकते हैं। हमारी अपनी पब्लिक पल्स के बारे में क्या बोलती है जनता जनार्दन की, कौन जीत रहा है आज का मुकाबला? तो भैया हमें बताया गया कि 60% वोट यहां पर पड़े हैं कुल मिलाकर केकेआर टीम के पक्ष में, तो 40% आर विद एमआई यानी कि एमआई पलटन के साथ। तो अभी तो ये क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है, हो सकता है आगे आते आते और क्लोज हो जाए तो क्लोज फाइट होगी, ये हमें आपको बहुत अच्छे से पता है। कौन जीत रहा है मुकाबला? देखिए ऑन पेपर तो केकेआर टीम मजबूत नजर आ रही है, बट एमआई टीम को फाइट बैक करना, अगर सूर्यकुमार यादव खेल रहे हैं ना तो मुझे लगता है एमआई टीम मुकाबला निकाल लेगी, बट डिपेंड अपॉन द कंडीशंस, डिपेंड अपॉन द प्लेइंग 11, देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बाकी आपने तो बता दिया कि आपके समझ से केकेआर टीम डोमिनेट कर रही है, तो देखते हैं कि भैया कौन जीत रहा है ये मुकाबला। एक बार फिर से आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, शटर उठाओ कमेंट सेक्शन की फटाफट से बताओ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द एमपीएल एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, बट प्लीज नोट दैट दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।